हमारे गांव में पानी देखो, हमारी लड़कियां सड़क पे भरने जाती हैं, भरने वाले नहीं हैं। जवान लड़कियां सड़क पे जाती हैं पानी भरने के लिए। बताओ कोई गांव ऐसे बचे बिना टंकी के? पानी भरने के लिए पानी भरने जा रहे हैं। कितने दूर जाना पड़ता है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर आप ये पानी भरने जाते हैं? हाँ। मानता हूँ हमारे गाँव में मुस्लिम नहीं है, लेकिन मुस्लिम भी हो तो वो भी हमारे समाज में ही गिना जाता है। सरकार वो ही अच्छी कही जाती जो कि इस प्रकार से चले कि हर समाज एक साथ चले। मतलब जो व्यवस्था सरकार की, जो पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो वहाँ से जो पैसा आता है पूरा इसमें लग नहीं पाता है। मतलब जितना अब, मतलब जैसे देश को आज़ाद हुए इतने समय हो गए, उसके बावजूद भी पैसा बराबर कंटिन्यूस आता है, और विकास होने की जो विकास कहीं मतलब बेस पे दिखाई कहाँ देता है। मैनपुर और कन्नौज के बाद इस वक्त हम आ गए हैं इटावा के गाती गाँव में। जब हम इन सड़कों पर जा रहे थे तब हमने देखा कि सड़कों की हालत खराब थी, और जब इस गांव में आए तो गांव वालों ने हमें कुछ बातें बताई जो कि ऑफ कैमरा बताई, लेकिन अब हम उनसे ऑन कैमरा वही बातें पूछना चाहेंगे। ये बताइए कि यहां गांव में क्या स्थिति है, सबको वैक्सीन लग गई है? सबसे पहला तो ये सवाल। वैक्सीन लगी है और जो भी आंकड़ा है वो सरकार का है, बाकी ज़्यादातर वैक्सीन फर्स्ट वैक्सीनेशन है जो पूरा हो चुका है ज़्यादातर गांव में लोगों को। पहली वैक्सीन कोविशील्ड लगी थी, और कोविशील्ड लगने के वजह पे दूसरे चांस में वो कोविशील्ड लेके आए, उसके बाद में कोविशील्ड उपलब्ध नहीं हो पाई, तो जो लोग जाने योग्य थे समझदार हैं वो अपने दूसरे हॉस्पिटल में जाके वहाँ लगवा आए, और कुछ लोगों का भी नहीं लगी है। स्टार्टिंग में जब कोवैक्सीन लगना शुरू हुआ था तब वो अंडर ट्रायल थी वहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट डोज सबके लग गई थी, मतलब कुछ लोगों के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लग गई थी, लेकिन वो दोबारा कोवैक्सीन कभी लगी ही नहीं, आई नहीं। वो कोविशील्ड ही आई जब भी लगने के लिए आई। अच्छा। तो कोविशील्ड ही लगी है ऑलमोस्ट सभी को, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जैसे हमारे दाऊ हैं मौसा जी हैं उनको लगी है, बस उन्हीं को लगी है कोवैक्सीन, उनकी सेकंड डोज अभी तक नहीं आई। ये जो गांव है ये यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी जाति के लोग रहते हैं? ठाकुर और ब्राह्मण, ऐसा आपने मुझे बताया था, किन के साथ खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ के ठाकुर किसके साथ खड़े हैं इस बार? किन मुद्दों पर वोट करेंगे युवा? किस वो योगी के लिए करेंगे जी। और फिर स्थानीय मुद्दे हैं, और स्थानीय मुद्दों का मतलब ये है कि आदमी व्यक्तिगत तौर से वोट करता है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं, सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, बजट के लिए कुछ उम्मीदें थी सरकार से, वो आम आदमी के लिए थोड़ा सही नहीं है, यही उम्मीद है। और क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो अभी गाँव में ही हूँ, बाकी किसानी कर रहा हूँ, बाकी बेरोजगार हो गए कोरोना टाइम से। जी जी, तो आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रहेगी? सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि रोजगार के थोड़ा ध्यान दें रोजगार की तरफ, और युवाओं को रोजगार देने का काम करें, जो वादे किए हैं वो उसको निभाएं। हाँ ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो पैसा डाल दिया है अकाउंट में, राशन दे रहे हैं मुफ्त का, उससे हम खुश हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो ठीक है, डालना और राशन देना एक मदद है, मदद से खुश हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सरकार की थोड़ी और जिम्मेदारी होती है एक गार्जियन के तौर पे, एक गार्जियन के तौर पे युवाओं ने जो भरोसा उन पर जताया था, और जिस तरीके का व्यवहार अभी कुछ दिनों में इलाहाबाद में हुआ, इस तरीके की अपेक्षा सरकार से की नहीं जाती है, और जिन युवाओं के दम पर सरकार बनाई थी उन्हीं युवाओं के साथ अगर छल हुआ तो फिर आप किस भरोसे पर आएंगे चुनाव लड़ने? क्या बोलेंगे इसमें, क्या जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही जोड़ना चाहेंगे कि युवाओं को कोई भेदभाव न किया जाए, और युवाओं को थोड़ा परेशान न किया जाए। अब जैसे 2 परीक्षाएँ रख दी गई, अब ऐसी नहीं करना चाहिए, युवा थोड़ा ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए मैं यही सरकार से कहूँगा कि थोड़ा ध्यान दीजिए रोजगार की तरफ, युवाओं को थोड़ा रोजगार का प्रबंध। बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सारी परेशानी दूर हो गई। बिल्कुल, आपने कोरोना काल में राशन दिया, इससे एक चीज़ अच्छी रही कि लोग भूखे नहीं मरे, नहीं तो एक वो नौबत आ जाती कि लोग सड़क पर या फिर घर में अपने भूखे मर जाते, कोई देखने सुनने वाला नहीं। तो ये तो बात सत्य है, जो लोग बोल रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं, युवाओं के लिए थोड़ी परेशानी है, लेकिन हमारे गांव में सबसे ज्यादा परेशानी पानी पीने की है। यहाँ का पानी थोड़ा हल्का होने की वजह से, खारा पानी होने की वजह से लोग पानी के लिए बाहर से पानी ले लेकर के अपना वो करते हैं। कम से कम सरकार से हमारा यही निवेदन है कि टंकी इस जगह बनाई जाए जहाँ पानी अच्छा निकले,
और हमारे गांव में पानी का सप्लाई किया जाए। तो ये 5 साल में आपके क्या क्या मुद्दे थे जो पूरे हो गए और जो अब आगे पूरे होने बाकी हैं, वो कौन से मुद्दे हैं? सरकार ने कुछ किसानों के लिए और गरीबों के लिए किया है, लेकिन सबसे हमें यही समस्या जटिल है कि पानी की समस्या यहाँ पर पूरी सुचारू रूप से की जाए तो जनता सब खुश रहेगी। अभी का जो टाइम है ना, उम्मीद उन्हीं से की जाती है जो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि 2013 के बाद से UPSC की आप कंडीशन देख लीजिए जाके, उन्होंने PSC मतलब जो PCS के एग्ज़ाम होते हैं उन्होंने किस तरीके से कराए, उन्होंने अदर एग्ज़ाम्स हैं जो पेंडिंग में वैकेंसी थी LT लेवल जो टीचर्स थे, और उन्होंने 68,000 टीचर्स प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट करी, 69,500 की वैकेंसी है वो कंप्लीट करी। तो उम्मीद लोग उन्हीं से करते हैं जो कर सकते हैं। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट हम लोग देख चुके हैं कि उन्होंने क्या किया था और क्या बेड़ा गर्क किया था यहाँ पर। उन्होंने बिल्कुल हाहाकार मचा दिया था कि सिर्फ हमारे ही लोग जाएंगे उसमें। वो तो नाम और जाति पूछ के एकदम एंट्री देते थे, उन्होंने हर जगह अपने ही लोग बिठा दिए। UPSC जैसी संवैधानिक संस्था तक उन्होंने नहीं बख्शा। राजनीति ही एक गंदी राजनीति हो गई है, अपने स्वार्थ में देश को नहीं देख रहेंगे, समाज को नहीं देख रहेंगे। वो हो रही अंग्रेजों वाला शासन हो रहा है, घर घर फूट डालो हम राज करेंगे, ये एक राजनीति में सबसे ज्यादा भ्रम पड़ा हुआ है। जो विकास के लिए जो पैसा आता है, मतलब अब तो डायरेक्टली आता है, वैसे कुछ परसेंट जो होता है, जैसे अभी रोड रोड की समस्या है जी, गलियों की समस्या है जी, इसमें जो लगता है पूरा परफेक्टली जितना लगना चाहिए वो पैसा लग नहीं पाता है। मतलब ये सब समस्या, ये सब दिखाई दे रही नाली वगैरह की, ये सब तो ये समस्या जो अभी भी है। और तो खैर सब व्यवस्था जितनी, पानी का भी मुद्दा है। हाँ, पानी की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, पीने की जो है बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। सब बुर्दे हैं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, पानी पीने तक का नहीं है। वहाँ बाहर से सड़क 3-1 किलोमीटर दूर से पानी आता पीने के लिए, 1 किलोमीटर दूर से पानी पीने के लिए आता है। तो आपकी जो विधायक हैं वो भी महिला हैं? वो भी महिला हैं। उनसे कोशिश नहीं करी? नहीं कोशिश करी, इसने उस समय जीत गई, आज दिन तक हमारे गाँव में नहीं आई, क्या तुमको परेशानी है, पूछने नहीं आई कभी। और जब नहीं थी तो आते थे, आप मैडम पांच हम जो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, कहाँ गया वो? कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं दिया ना, आज कॉलोनी फूटी जो कुठरियाँ ढाड़ियाँ आप देख लो करके, जो कॉलोनी देंगे वो कॉलोनी हमें 25 साल हमारे घर से ख़त्म हो गई। आज एक दिन तक 1 रुपया तक की कसम है जो कोई हमें देखियो का लगा दी था। क्या परेश क्या किसको वोट दें? कुछ नहीं वोट नहीं, जनता परेशान है। वोट तुम राजा बन जाओ, तुम अपने महल बनवाओ, कॉलोनी बनवाओ, अपने सब कुछ सबको स्कूल बनवाए रहे, हमारे लिए क्या कुछ नहीं है। जब पीने के पानी की परेशानी है फिर और क्या चीज़ चाहिए, बताइए, आप ही बताइए। हाँ, मैं सुन रहा था कि यहाँ पे जो आपकी विधायक है उनका घर भी यहीं करीब में है। हाँ, करीब में है। तो करीब किसका है? हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारी हम उनकी भौजाई भी हमारी भौजाई है, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, किसी कभी भी ये नहीं पूछा कि आप कैसे हो यहाँ इतनी चोट में। यहाँ वहाँ जाते थे मंदिर पर, मंदिर पर जाके वहाँ उनकी मीटिंग लगती थी, यहाँ हमारे यहाँ मीटिंग लगती है, जिताया हम लोगों ने था। वो कहते हैं कि हमारी सरकार ने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, बच्चियां अब खुल के घूम सकती हैं। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ, ये तो बात सही है, गुंडागर्दी सरकार हमारी अच्छी है, अकेले हमारी विधायक सही नहीं है। जब वोट मांगने आती हैं उसके बाद नहीं देखती हैं आदमी मर रहा कि जी रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आएंगी वोट मांगने के लिए, तो अब किस लिए वोट मांगती हैं? जब तुम जनता को देखती नहीं हो, भाईचारा निभाती नहीं हो, ठाकुरबाजी निभाती नहीं हो, तो किस लिए वोट मांगती हो फिर? क्या ज़रूरत है तुम्हें वोट मांगने की? ये बात तो है। हमारे गांव में पानी देखो, हमारी लड़कियां सड़क पर भरने जाती हैं, भरने वाले नहीं हैं। जवान लड़कियां सड़क पर जाती हैं पानी भरने के लिए, बताओ कोई गाँव ऐसे बचे बिना टंकी के? हमारे गाँव में कुछ सुविधा नहीं कराई उनने। फिर पानी से जुड़ी आपको कई समस्याएं भी आती होंगी, खारा पानी है तो? हाँ हाँ जी, बात सही। हमारे ये समर लगी द्वारे पे, पानी खारा है। समर हमारे घर में लगी है, बाहर लगी है जी, बगल में समर निरी गांव में लगी है, आके खारा पानी है। समस्या ये है कि पीने का पानी नहीं है। एक हमारे गांव में जो बोटन का तुम इतना प्रचार करते हो आज की समस्या में, तो ये भी प्रचार करो कौन गाँव में क्या समस्या में हल करना है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाई साहब आप, हम तो अनपढ़ हैं, आप समझदार हो, गलती हो तो उसे माफ़ करना है। तो अगर तुम बोटन की वो बात सही, आप प्रचार इस वक्त करते हो तो ये भी समस्या हल करो कौन गांव में क्या समस्या में हल करने है, वो भी देखो आप कि हमारे गांव में हमारे जहां हमारे संबंध हैं, जहां हमारी जनता है, तहाँ हमें क्या करने चाहिए, वो भी तो ज़रूरी है। एक टंकी हमारे गाँव में धरवा लो, हम भी कहें कि हमारी विधायिका अच्छी हैं, उन्हें चलो सपोर्ट करें,
चलो राम राम है, उनकी है उनकी माई। पानी 1 किलोमीटर जिसके यहाँ आता होगा वो क्या करता होगा सर, आप ही बताइए। जिसके यहाँ पीने का पानी तक नहीं है वो क्या किस बात की सरता हो, चाहे बंटू हो चाहे संटू, कोई हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये नाम वोट हमारा वोट है, जैसे मन हो तैसे दिए। हमारी पानी की टंकी जब तक नहीं रखेगी, गली साफ नहीं होगी, सड़क नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं होता। और क्या मुद्दे हैं यहाँ के गाँव की महिलाओं के? गाँव के महिलाओं के मुद्दे कोई काम नहीं, बैठे बैठे यहाँ का साधन है नहीं कुछ, खेती पानी कितना होता है यहाँ भेड़ की खेती, कुछ सारे ने हमका हमें कुछ भी सारा कुछ तो सारा दिया जाए, कोई साधन हमारे लिए नहीं। वो तो कहते हैं कि भाई हमने राशन दिया है। हाँ राशन दिया, ये बात है, ये राशन दिया मोदी ने दिया, मोदी को वोट देंगे, मोदी को देंगे उनको नहीं देंगे ये बता दें। उन्होंने साथ राशन दे रहा है, ऐसी तो बात कोई बात नहीं, हमें राशन दिया जो साधन मिलते उनको दे दे मोदी सरकार, फिर भी सही। लेकिन बीच में हम किसान आदमी जी जी RCC काट दिया, 60,000 रुपया भर के आए हम, 60,000 का नुकसान हुआ। हाँ जी देखो जी कटियाँ डरी हैं और कनेक्शन लगाए दे और बाकी बंद पड़े हैं जी, और बिजली आती है गाँव में? बिजली हाँ बिजली आती है, बिजली तो आती है। अरे मीटर इतने बढ़ाए दाए 500-600 रुपया आ गए, हमारे 90,000 आए थे कनेक्शन के, 60,000 रुपया भर के आए 15 दिन। नहीं भाई RCC काट दी हमारे ना मिला तो अब वो काट दी भैया मेरे भरो, हमने दे के कर्ज कड़ुआ करके का करते किसान। हमारे लिए कोई साधन नहीं है, हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है सर जी, कोई चीज जैसे लेडीज बैठी कुछ काम हो कोई साधन हो सो सब पूरा काम वहाँ देखो, उस गाती देखो जो चमक रही शीशा का सड़क ही आप देखो, दिखा दो सड़क ही फोटो पहिया, और यहाँ नाली तक नहीं, नाली देखो जो कीचड़ ने कराया आज, जो कीचड़ भरा हुआ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जो है सुए सरता हुआ ही कहती है भैया बंद है, हम तो यहीं दुश्मन है, वोट ले जा, फिर इसके बाद कोई राम राम नहीं करता। वोट उनके पहले जो होता सो वोट पहले हो जाता, पाँच छुअती हैं फिर उनके पाँच छुअत जानती नहीं हम कौन है, कहाँ से आई बताइए आप कहाँ से आई, आज तक पेंशन नहीं बनी, हमें ही जानते जैसे पेंशन बने कॉलोनी वहाँ देखो नरेगन हुआ कल के ब्याह हो के यहाँ नरेगन का पैसा मिल रहा है, यहाँ विधवा है कॉलोनी बनी बनाए कॉलोनी देखो जे हमारे जे घर डरो जे जे कॉलोनी इनके इनके लिए कुछ नहीं है, जो कच्ची मड़ैया हम रह रहे गिर पा रहे पर साल बच गए, हमारा लड़का हमारी लड़की एक देवर दोनों बच गए गिरने से, अब कर्ज लेके बनवा तो रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वो यहाँ का विकास इसलिए नहीं करते हैं कि अगर यहाँ काम करेंगे तो अखिलेश जी का नाम हो जाएगा। क्यों अखिलेश जी का, जब वोट तुम्हें दिया अखिलेश जी को क्यों नाम हो जाएगा, जो करेगा उसी का नाम होगा, जो आप खड़े हमारे पास आप मदद हमारी देंगे तो आपका नाम होगा, उनका क्यों नाम होगा, ये तो गलत बात है, जो करेगा उसी का नाम गाएंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।